हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबको अमृतसर के स्वर्ण मंदिर लेके चलने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसे गोल्डन टेंपल भी कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अमृतसर कैसे पहुँचना है, कितने दिन का ट्रिप बनाएं और कुल खर्चा कितना आएगा, और साथ ही साथ वहाँ रुकेंगे कैसे और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि अमृतसर कैसे पहुँचें। दोस्तों, अमृतसर पहुंचने के लिए आपके पास तीन विकल्प हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से आपको अमृतसर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप ट्रेन से बहुत आसानी से अमृतसर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है बस। बस से भी आप अमृतसर आसानी से पहुँच सकते हैं। आपके अलग अलग शहरों से अमृतसर के लिए बसें चलती हैं, और अगर नहीं चलती हैं तो आप दिल्ली आ सकते हैं, और दिल्ली से आपको आसानी से अमृतसर के लिए बस मिल जाएगी। और हमारा तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देश के विभिन्न राज्यों से फ्लाइट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अमृतसर पहुंचने के बाद हमें क्या करना है। तो अगर आप अमृतसर बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको अमृतसर रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर आना है, और वहाँ से आपको फ्री बस सर्विस मिल जाएगी, जो कि आपको स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर उतारेगी। दोस्तों, ये फ्री बस सर्विस यहाँ से हर आधे आधे घंटे के अंतराल पर चलती है, तो अगर आप इतनी देर वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ से सीधा ऑटो लेकर भी स्वर्ण मंदिर पहुँच सकते हैं। ऑटो वाला आपसे इसके लिए 30 रुपये लेगा। दोस्तों, मंदिर परिसर में पहुँचने के बाद आपको वहाँ अपने जूते चप्पल रखने के लिए या सामान रखने के लिए फ्री लॉकर सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो अगर आपके पास सामान है तो आप अपना सामान लगेज रूम में रख सकते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी कपड़े या रुमाल से अपने सर को कवर कर लेना है। अगर आपके पास कोई कपड़ा या रुमाल नहीं है तो वहाँ पर जगह जगह बकेट रखे हुए हैं, आप बकेट में से कपड़ा लेके अपने सर को ढक सकते हैं। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है, तो अक्सर श्रद्धालु अमृत सरोवर में स्नान करने के बाद गुरु हर साहिब के दर्शन करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ चेंजिंग रूम की अच्छी सुविधा उपलब्ध है, और ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए अलग चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध है। और अमृत सरोवर में स्नान करने के बाद हम बढ़ेंगे स्वर्ण मंदिर की तरफ, जहां हम दर्शन करेंगे गुरु हर साहिब के। दोस्तों, ये नज़ारा आपको बहुत ही अद्भुत लगेगा। गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए आपको वहां पे लाइन लगानी होगी, और आपको वहां पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, दर्शन करने में जो आपको समय लग सकता है वो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, भीड़ पर निर्भर करते हुए। और दोस्तों, अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग लाइन में लगते हैं, जैसे कि 4 बजे या 5 बजे, तो आपका ये भी हो सकता है कि दर्शन 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाए। दोस्तों, गुरुद्वारे के अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे गुरुवाणी पूरे दिन चलती रहती है, तो आप चाहें तो यहाँ बैठ के गुरुवाणी भी सुन सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। दोस्तों, गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद आप बाहर आके मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था भी मिलेगी। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर में आपको चारों दिशाओं में गेट मिलेंगे, जिसका संकेत ये है कि यहाँ पे किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय के लोगों के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। यहाँ पे गुरु हर साहिब जी के दर्शन के लिए सभी के लिए द्वार खुले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की। तो दोस्तों, यहाँ दिन भर गुरुद्वारे में लंगर चलते रहते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा। यहाँ पे आप लंगर हॉल में जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लंच या डिनर भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ लंगर हॉल में पहुँचते ही आपको एक थाली दे दी जाएगी, चम्मच दे दिया जाएगा, और यहाँ पे बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। नीचे कारपेट बिछे हुए हैं, आप आराम से वहाँ बैठ के वाहेगुरु जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अमृतसर में हमको रुकना कहाँ है और हमें रूम कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, अमृतसर के ट्रस्ट की एक वेबसाइट है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। आप उस वेबसाइट पे जाके अपना रूम बुक कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे अगर मैं रूम के कॉस्ट की बात करूँ तो आपको फैमिली रूम्स यहाँ पे 500 रुपए से मिल जाएंगे, और ये एसी रूम्स होते हैं, यहाँ पे नॉन एसी रूम्स बिल्कुल नहीं होते हैं, ये सारे रूम्स एसी रूम्स होते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन रूम्स नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट होटल भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको 600 से 1000-2000 तक के रूम्स आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें कि अमृतसर का हमें कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 दिन का ट्रिप पर्याप्त है अमृतसर के लिए। लेकिन हाँ, कुछ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अमृतसर आना पसंद करते हैं, या फिर अमृतसर के दर्शन करने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करना अपना पसंद करते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना 1-2 दिन और ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना ली है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि स्वर्ण मंदिर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। तो सबसे अच्छा समय विंटर्स का रहेगा, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे संगमरमर का फर्श काफ़ी तपने लगता है, जिससे आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। दोस्तों अगर बात करें खर्चे की, तो आप 2000 से 3000 तक में अमृतसर आराम से घूम लें। सो गाइज, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग ट्रेवल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।